जो क्लेम है 437 किलोमीटर का, क्या उसके आसपास भी हम पहुंच पाए हैं? एक्चुअली नहीं पहुंच पाए हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस कम हुआ है, इसका मतलब जो सस्पेंशन है उसको भी थोड़ा सा आपको बेटर करना पड़ेगा, और इससे चार्ज करने में घंटों लगते हैं। कि 0 to 80% करने में कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी हमेशा फास्ट चार्ज करती है, असली जो चार्ज करने में टाइम लगता है वो 80 से 100% करने में चार्ज लगता है। जैसे वायरलेस चार्जर पहले नहीं आता था वो आपको दे दिया गया, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको दे दिया गया, रीजन के 3 levels आपको दे दिए हैं, किसका कंप्रेसर जो है वो फ्रीक्वेंटली बंद होता रहता है, सिर्फ ब्लोअर चलता रहता है और कूलिंग बंद हो जाती है। यह है टाटा की नई नवेली, एक्चुअली नई नवेली नहीं बट एक नया नवेला वर्जन है जो कि रेंज एक्सटेंडर है। पहले जहां पे वो 313 क्लेम करते थे 437 क्लेम करते हैं, दैट मींस बैटरी पैक बढ़ाया गया है। कैसे बढ़ाया गया है, किधर लगाई गई नई बैटरीज, उसके बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, कितनी इंप्रूव हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे मुख्य सवाल जो आपके दिमाग में होगा उसको एड्रेस करने की आज हम कोशिश करेंगे, बाकी सब एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हुए कि भैया रेंज कितनी एक्चुअली में दे रही है। 437 क्लेम तो बहुत बड़ा है बट रियल में कितना है। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हिज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। देखिए विजुअली गाड़ी में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, ना कोई मैक्स का बैज है, इनफैक्ट वही जिस तरीके की डिजाइन लैंग्वेज ये फॉलो करते हैं वैसा ही है। आई विश रियर जो इसका थोड़ा बिजी जो मुझे लगता है वो थोड़ा कम बिजी होता तो मज़ा आ जाता, मैक्स को थोड़ा स्टैंड आउट कर सकते थे बट वो नहीं किया गया है। डिमेंशंस भी मोर और लेस सेम है, बस जो ग्राउंड क्लियरेंस है जैसे कि मैंने कहा कि नई बैटरी पैक लगाया गया है और बूट स्पेस जो है उसको कम नहीं किया गया। यूजली सारी कंपनीज क्या करती है, बूट स्पेस कम कर देती है, बैटरी पैक वहाँ लगा देती है, बट यहाँ पर 350 इंटैक्ट रखा गया है। दैट मींस इनको फ्लोर पे ही वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर में हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया गया कि कुछ कन्वेंशनल जो चीज़ें लगनी थी स्ट्रक्चर में उनको हटाकर स्पेस थोड़ा क्रिएट किया गया है और थोड़ी लो हैंगिंग भी हुई है बैटरी पैक, इसी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो 10 mm कम हुआ है, तो वहीं से वो पूरा बैटरी पैक जो है बड़ा लगाया गया है। अच्छी बात ये है प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है बैटरी पैक में, तो वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट देखने में बस आप ये समझ सकते हो कि ये जो नया कलर दिया गया है वो एक नया कलर है, ड्यूअल टोन सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया वो एक चीज़ है, और अलॉय व्हील्स जो है हल्का फुल्का डिज़ाइन चेंज है, और आपको अब चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट यू विल सी, वो भी एकदम आपकी पार की नज़र हो तो आपको नजर आएंगे, अदरवाइज इट्स ऑल द सेम। ऑलराइट, तो इस वीडियो की शुरुआत अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से नहीं, इनफैक्ट सबसे मुख्य प्रश्न से शुरू करते हैं कि भैया रेंज कितनी है वो बता दो हमें, क्योंकि पहले वाले जो नेक्सॉन ईवी ओनर्स हैं वो ये बोलते हैं कि भैया क्लेम 312 का किया गया था बट रियलिस्टिकली 180, 190, 200 मैक्सिमम खींच के मिल जाता है हमें, तो वो काफ़ी बड़ा ड्रॉप है एक ARAI क्लेम के बाद में। अब इसका ARAI क्लेम है 437 किलोमीटर्स, तो क्या ये उतना अचीव कर पाएगी? उसे चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको गाड़ी को फुली चार्ज करना पड़ेगा। अभी हमारी गाड़ी 96% चार्ज है, AC क्योंकि ऑन है तो रेंज हमें कम दिखा रहा है, 280 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, बट उसके बाद में जब चलाने लगोगे तो थोड़ा बहुत वो वापस से रीसेट करेगा और फिर एक्चुअल रेंज जो है वो आपके पास में आ जाएगी, तो उसके बारे में थोड़ी देर में करेंगे बात। बट चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं उसके पास में, उसके लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है। ये वाला नहीं है ऑफकोर्स, इससे सिर्फ फ़ोन चार्ज होता है, ऑल दो 30,000 mAh बैटरी है तो मेरा फ़ोन 4 बार चार्ज हो जाता है, बट हाँ टाटा मोटर्स क्या क्या आपको ऑप्शन दे रही है उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास में एक स्लो चार्जर है, दिस इज़ द स्लो चार्जर, AC का 3.3 kW कैपेसिटी का ये चार्जर है, और इससे चार्ज करने में घंटों लगते हैं, मतलब लिटरली पूरी रात लगा दो, बहुत लंबे टाइम तक चार्ज करोगे तब ये चार्ज करेगा। पर उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ दिस वॉल माउंटेड, जो कि आपने देखा होगा MG भी ऑफर करता है, बहुत सारे ब्रांड्स ऑफर करते हैं, ये 7.2 kW का है, मतलब AC फास्ट चार्जर हो गया। इसका कंपनी ने कहा है, क्लेम किया है कि भैया ये चार्ज करने में लगभग 6 घंटे लेता है। एक्जिकॉम का आपको चार्जर मिलेगा, बाय द वे AC वॉल माउंट जो चार्जर है वो उसका मिलेगा, और ये करीब 6 घंटे में चार्ज होता है, बट 100% तो मेरे को लगता नहीं है कि वो 6.5 घंटे में कर पाएगा। चार्ज होने से पहले थरथरा रही है गाड़ी तो ये लगा दिया, अच्छे से फिट आपको करना है पहली बात तो। बाय द वे इसको ओपन करने के लिए पहले वहाँ पे एक लीवर दिया गया है, उसको उठाना है आपको, फिर ये खुल जाएगा, जैसे कि यूजुअल लोकेशन पे जहाँ पर जो फ्यूल लिड होता है उसका ओपनर होता है,
कि 0 to 80% घंटे में कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी हमेशा फास्ट चार्ज करती है। असली जो चार्ज करने में टाइम लगता है वो 80 से 100% करने में चार्ज लगता है, क्योंकि उस टाइम पर फिर करंट कितना फ्लो करना है हर सेल में, बैलेंसिंग करनी है या इक्वलाइज करना है हर सेल के करंट को, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लगती है या उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, आप ये समझ सकते हो। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। इसको हटाने के लिए आगे एक बटन दिया गया है जिसको मेरे कलीग अभी प्रेस करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसको आप जैसे ही प्रेस करोगे फिर उसके बाद में इजीली निकल जाता है। सो वील पुट इट बैक हेयर। और तीसरा ऑप्शन आपके पास में DC फास्ट चार्जर। आपको देश में कई कई जगहों पे, कई इंपॉर्टेंट हाईवेज पे आपको मिल जाते हैं, जैसे चेन्नई बैंगलोर मिल जाएगा, दिल्ली जयपुर मिल जाएगा, बहुत सारी जगहों पे भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। टाटा पावर अलोन बहुत सारे प्लेयर्स के साथ में मिलकर बहुत सारे आपके फास्ट चार्जर्स लगा रहे हैं, जैसे कि टेलस पावर जो कि US की कंपनी है, इनसे इन्होंने टाइप किया है। 30 kW का ये वाला फास्ट चार्जर है और इसे यूज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक बटन दिया गया है, उसे प्रेस कीजिए और ये इजीली निकल जाता है। आप देखोगे कि ये CCS2 टाइप का चार्जर है, ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, नीचे 2 पॉइंट्स हैं। आप इसे यहाँ पे अच्छे से लगा दीजिए, ढंग से फिट होना चाहिए। ढंग से फिट होने के बाद में आपके पास में एक RFID है, लुक समथिंग लाइक दिस। टेलस पावर की है तो टेलस पावर की ब्रांडिंग होगी, और यहाँ पे कार्ड स्वाइप करना है बेसिकली। ये आपने लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पे ये वेट फॉर EV रिस्पॉन्स दिखाता है। लगभग 120 सेकंड के विदिन आपका जो चार्ज है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाएगी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आई थिंक ये स्टार्ट हो गया है, आवाज़ आनी शुरू हो गई है। दैट्स राइट, तो ये अब चार्ज करना शुरू कर चुका है। ऑल्दो ये फास्ट चार्जर है बट जैसे कि मैंने कहा था 80 to 100% चार्ज करने में इसे भी समय लगता है, क्योंकि इक्वलाइज करना होता है, सेल मैनेजमेंट करना होता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा स्लो चार्ज होगा। बट सिंस इट्स अ 30 kW चार्जर, आप देखिए इधर आइए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाती है कि भैया आपका रिमेनिंग टाइम कितना है, ये चार्जिंग टू फुल इसने स्टार्ट कर दिया है और इसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। मेरी आवाज़ आई थिंक आपको आ रही होगी, तो इस तरीके से फुल चार्ज होना शुरू हो गया है और 30 किलो वॉट का है। तो अगर आप 0 to 100% करोगे तो उसमें मुझे लगता है कि लगभग 2.25 घंटा इजीली लग जाना चाहिए पूरा चार्ज होने में। अगर आपके पास में 50 किलो वॉट का चार्जर है तो 0 to 80% करने में लगभग 56 मिनट लेता है और पूरा चार्ज करने में शायद 1.25 घंटे के आसपास लेगा, वो 1.5 घंटे के आसपास लेगा। तो चलते हैं अब परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है और एक्चुअल रेंज हमें कितनी निकाल के देती है। बट परफॉर्मेंस जिस GoPro में हमने शूट किया था वो है ये, और ये निकला कल्प्रिट। इसका मेमोरी कार्ड करप्ट ये दिखा रहा है, फॉर्मेट करने के लिए दिखा रहा है। अभी भी मैं जब इसे ऑन कर रहा हूँ तो ये बेसिकली मुझे कह रहा है कि भैया कोई कार्ड नहीं है, SD कार्ड एरर बेसिकली मुझे दिखा रहा है, SD एरर। आई एम नॉट श्योर आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बट ये निकला कल्प्रिट। बट वो तो लकीली मैंने कुछ फुटेजेस अपने फ़ोन से शूट कर ली थी, कुछ एक कैमरा से थोड़ी बहुत शूट कर ली, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि रेंज हमें कितनी मिली। तो जैसे कि मैंने जब चार्जिंग ऑप्शंस आपको समझाना शुरू किया था तो उस टाइम पे आपको बताया था कि भैया 97% के आसपास हमारे पास बैटरी थी और रेंज दिखा रहा था लगभग 280 किलोमीटर के आसपास। इस टाइम पर यह था सिटी मोड में और रीजन लेवल था 1, और जैसे ही AC ऑफ किया तो रेंज बढ़ गई, ऑफकोर्स लगभग 300 किलोमीटर के ऊपर चली गई, 308 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिटी मोड से इको मोड में किया तो रेंज बढ़ गई 325 किलोमीटर। बट ये पॉसिबल नहीं है कि जिस गर्मी में हम शूट करते, जिसमें हमारा GoPro ही काम नहीं किया उस वक्त, मेरा बिना AC के काम करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने AC ऑन कर दिया और रियलिस्टिकली मैं उम्मीद कर रहा था कि 300 से 310 किलोमीटर की रेंज मुझे इजीली मिल जाएगी जब मैं रीजन लेवल 3 रख लूँगा, इको मोड में रख लूँगा इस गाड़ी को, और स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं लेकर जाऊँगा। तो ऐसा ही कुछ हमने किया, पर जैसे ही हमने कार को चलाना शुरू किया तो इसकी जो रेंज है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लगी, मतलब जो बैटरी है, बैटरी की परसेंटेज भी ड्रॉप होने लगी और रेंज भी जो है वो ड्रॉप होने लगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम रियल में रोड पे जब गाड़ी चलाने आए, उससे पहले हमने एक चीज़ ये भी टेस्ट की कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है गर्मी में कि आप किसी का वेट कर रहे हो, रेलवे स्टेशन गए हो, कहीं गए हो, तो आपको गाड़ी ऑन रखनी पड़ती है, AC ऑन रखना पड़ता है। ऐसी गर्मी में जब 46, 47, 49 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर जा रहा है तो उस वक्त आपको AC ऑन करके रखना ही पड़ेगा। तो जब हमने वो किया तब उस वक्त 6-7% बैटरी कब खा गया हमें पता ही नहीं पड़ा, तो इस वक्त वो ज़्यादा आपकी बैटरी खाता है। तो लगभग 90% के आसपास हमारी बैटरी आ गई थी और रेंज जो वो दिखा रहा था वो लगभग 260-270 के आसपास के बीच में दिखा रहा था। और जब हमने लगभग 66 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी तो हमारा स्टेटस ये था।
तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि अभी तक हम 66 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुके हैं, 66.4 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, और 75% हमारी बैटरी अभी बची है। 206 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, उससे दिखा रहा है हम लगातार इको मोड में चला रहे हैं और रीजन 3 लेवल पर इसको कॉन्स्टेंटली हम चला रहे हैं। जब बैटरी 71% पे आई तो फिर ये टेंटेटिव रेंज दिखा रहा था 195 किलोमीटर के आसपास। फिर जब बैटरी 49% पे आई तो टोटल रेंज दिखा रहा था, जो बची हुई रेंज थी वो 113 किलोमीटर, और तब तक हम लगभग 118 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय कर चुके थे। 45% पे आते आते 99 किलोमीटर की रेंज वो दिखाने लग गया था। अब आखिरी में हमें एक्चुअल रेंज कितनी मिली, उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हुआ है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब ग्राउंड क्लियरेंस कम हुआ है, इसका मतलब जो सस्पेंशन है उसको भी थोड़ा सा आपको बेटर करना पड़ेगा, मतलब डैम्पिंग थोड़ी है वो बेटर करनी पड़ेगी, जिससे कि एक सही राइड और हैंडलिंग का बैलेंस आपको मिल जाए। वैसे जो रेगुलर पेट्रोल और डीजल जो इसका मॉडल आता है, या इनफैक्ट पुरानी नेक्सॉन ईवी भी आती है, उसकी राइड और हैंडलिंग भी मुझे अच्छी लगी थी, बट इस बार स्टीयरिंग जो है वो थोड़ी वेग मुझे नज़र आई। किसी किसी जगह पर सिटी में ही बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी, फिर कई जगह सही लगने लग गई थी, तो वो एक यूनिट स्पेसिफिक इशू भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो हमारी मतलब बाकी कारों में भी हो, बट हमारी कार में तो वो हमें लगा। बट हाँ, हाईवेज पे जाते थे तो अच्छे से वे अप हो जा रही थी, मतलब वो वेट अच्छा खासा था और वो कॉन्फिडेंस देने वाला डेफिनेटली था, तो वो एक चीज़ हमें फील हुई। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम में भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो चार डिस्क ब्रेक्स तो ऑफकोर्स आपको मिलती ही मिलती है, उसके अलावा आपको जो रीजन लेवल्स हैं वो 3 मिलते हैं। अब रीजन कैसे काम करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक कार को आप जानते हो या हाइब्रिड कार को आप जानते हो, तो जब भी आप ब्रेक दबाते हो या डी एक्सेलरेशन करते हो तो उस वक्त वो एनर्जी जो है वो आपकी बैटरी में जा रही है, जो लिथियम आयन बैटरी है, बैटरी पैक में जा रही है, जिससे कि वो उसको चार्ज करता रहे। तो ऐसा ही सेम आपको यहाँ पर भी मिलता है। और रीजन लेवल 3 पे अगर आप हो तो टेक्निकली आप सिंगल पेडल ऑपरेशन कर सकते हो। सिंगल पेडल ऑपरेशन का मतलब एक्सेलरेटर पे आप पांव रखा हुआ है, आपने हटा दिया तो ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई हो जाते हैं, तो आपको टेक्निकली ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो ऑटोमेटिकली धीरे हो जा रही है। और जब हार्श ब्रेकिंग होती है तभी आपकी जो मेन ब्रेक्स हैं वो काम करना शुरू करते हैं, तभी आपको ABS जो है उसका इंटरवेंशन आपको फील होता है। बट एक और चीज़ जो ब्रेकिंग सिस्टम में चेंज की गई है, इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना है, उसे ये IV बैक बुलाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट वैक्यूमलेस बूस्ट एंड एक्टिव कंट्रोल। अब वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, हम बहुत सी इलेक्ट्रिक कार्स में ये देखते हैं कि वैक्यूम लेस ब्रेकिंग ही होती है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिकली असिस्टेड होते हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रिकली हो रही है। आपके ट्रेडिशनल जो पेट्रोल कार्स हैं उनमें उनके जैसे आप वैक्यूम वाला जो ब्रेक बूस्टर होता है वो नहीं यूज़ करते हो, जिसमें वैक्यूम क्रिएट करता है इंजन की मदद से, फिर उसकी मदद से जब आप ब्रेक पेडल पे प्रेस करते हो तो उससे आपके ब्रेक्स लगते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकली हो रही है, जिसकी मदद से ये चीज़ हुई है कि एक तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हुई है, तो वो एक सेफ्टी फीचर के तौर पर काम कर रहा है ऑफकोर्स। दूसरी चीज़, जो ब्रेक पेडल है वो बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन आपको लगेगा, वहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा, जो कि यूजुअली वैक्यूम ब्रेक बूस्टर वाला जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें फील होता है। इस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो कि रीजन ब्रेकिंग प्लस वैक्यूम लेस ब्रेकिंग कैसे काम करती है, उस पर एक ढंग का आईसीएन एक्सपीरियंस का वीडियो हम बना देंगे, तो कभी और बात कर लेंगे। बट अभी भी समझ लीजिए कि हाँ, ज़्यादा सेफ आपके ब्रेक्स हुए हैं। और अब चलते हैं सीधे वर्डिक्ट पे, जो कि ऑफकोर्स मैंने लाइव कैमरा में रिकॉर्ड किया था, GoPro में रिकॉर्ड नहीं किया था फॉर्चुनेटली, तो वो सुनते हैं कि मेरे को क्या रेंज एक्चुअली मिली। तो एक बहुत ही ह्यूमिड, गर्म, बहुत ही थकाने वाले दिन के बाद में 46 डिग्रीज टेम्परेचर था बॉस, उसके बाद में हम फाइनली 15% बैटरी पे पहुंचे हैं। अभी 38 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है, जब हमने ली थी तब 90% बैटरी थी, और उस वक्त एस्टिमेटेड जो इसने बताया था वो लगभग 260 के आसपास दिखाया था। अगर आप एसी ऑफ कर लोगे या बाकी चीज़ें कर लोगे तो वो 280-285 के आसपास दिखा रहा था, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन ह्यूमिड कंडीशंस। और ये ह्यूमिडिटी गर्म चीज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो हम रेगुलरली शूट करते रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि बैटरी की परफॉर्मेंस पर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स एसी आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, तो उस वजह से बैटरी आपकी ड्रेन थोड़ी जल्दी होगी। वनस्पत अगर आप सर्दी के मौसम में गाड़ी को चलाओगे तो उसकी रेंज डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा होगी, बट मोस्ट मंथ्स में हमारी जो बैटरी होती है वो ज़्यादा ड्रेन होगी, क्योंकि गर्मी वाले दिन ही हमारे यहाँ रहते हैं या ह्यूमिड वाले दिन ही हमारे यहाँ रहते हैं। तो मोटा मोटा कितनी रेंज हम निकाल पाए हैं, ट्रिप भी मैं अपनी देखता हूँ तो 195 किलोमीटर के आसपास हम अभी कर चुके हैं, 37 किलोमीटर के आसपास ये और दिखा रहा है। अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो 195 और करीब 231-32
किलोमीटर की आसपास की रेंज ये हमें दिखा पा रहा है। फिर 10% बैटरी बची थी, तो मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाओगे तो 250-260 किलोमीटर की रेंज ये आपको ऐसी गर्मी के मौसम में डेफिनेटली दे सकती है, जो कि ठीक है जयपुर डेली ट्रिप हो सकता है आपका, बट फिर भी जो क्लेम है 437 किलोमीटर का, क्या उसके आसपास भी हम पहुँच पाए हैं? एक्चुअली नहीं पहुँच पाए हैं। हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलाया, एक्चुअली हमने ही बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाया, इको मोड में रखा है, रीजन लेवल 3 पे रखा है और 80 से ऊपर हम गए ही नहीं हैं, ये सब हमने किया, उसके बाद भी 260-270 के आसपास का एस्टिमेट निकल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। आप और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अगर चलाते हैं तो 300 किलोमीटर के आसपास आप टच कर देंगे, 300 से हल्का सा ऊपर भी जा सकते हैं और विंटर के मौसम में थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सो दिस इज़ द टोटल रेंज। अब क्योंकि मैं बता रहा था कि एसी हमें सारा दिन चलाना पड़ा है, तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, एसी की परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, शायद इन्होंने उस तरीके से ही इसे रखा है कि इसका कंप्रेसर जो है वो फ्रीक्वेंटली बंद होता रहता है, सिर्फ ब्लोअर चलता रहता है और कूलिंग बंद हो जाती है। नाउ दिस कैन हैपन फॉर टू रीजंस, वन एक तो रेंज बढ़ाने के लिए, टू बैटरी को थोड़ा ज़्यादा सेफ रखने के लिए, गर्मी के मौसम में और ज़्यादा लोड उस पर ना पड़े, तो उस वजह से हो सकता है कि ये इन्होंने कुछ किया हो। ऑल्दो लिक्विड कूलिंग जो है वो ऑलरेडी इस गाड़ी में पहले भी आती थी और वो अभी भी आती है, बट ये सब चीज़ें करने से कुछ हुआ है, बट ये बहुत ही परेशान कर देने वाला हो जाता है कई बार गर्मी के मौसम में। तो ये ओवरऑल हमें रेंज मिली, ओवरऑल एक काफ़ी मैच्योर प्रोडक्ट लग रही है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी। अगर आप बात करोगे नए फीचर्स डाले गए, जैसे वायरलेस चार्जर पहले नहीं आता था वो आपको दे दिया गया, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको दे दिया गया, ये डायल अप जूल फिनिश जो है बहुत सुंदर लगता है, रीजन के 3 लेवल्स आपको दे दिए हैं, फिर ये मोड्स तो डिफरेंट आपके आते ही थे, ये सब चीज़ें दे दी गई है। प्लस 7.2 किलोवाट का आपको एसी फास्ट चार्जर अगर आप 50,000 एक्स्ट्रा देंगे तो आपको मिल जाएगा, जो प्राइस रेंज है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, बट मोटे मोटे तौर पर 17.74 बेस ईवी मैक्स वर्जन के लिए, ZX प्लस के लिए, और अगर आप लग्ज वेरियंट लेते हैं ये वाला तो 18.74 के आसपास आ रहा है, उससे 50,000 ऊपर दीजिए तो आपको वो जो 7.2 किलोवाट वाला बैटरी जो चार्जर है वो मिल जाएगा। बाकी और क्या चेंजेस किए गए हैं, बाकी आपको ऑफकोर्स क्रूज कंट्रोल दे दिया गया जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, फिर ESP आपको मिल गया है और बाकी जो ESP के फीचर्स हैं वो आपको मिल गए हैं, पहले से सनरूफ आता ही था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको अब वेंटिलेटेड सीट्स भी दे दी गई हैं। वेंटिलेटेड सीट्स का बटन जो है वो थोड़ा सीट की साइड ही, अब कई लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, कई बार हम यहाँ पे सेंटर कंसोल में देखते हैं बट यहाँ पे दिया गया है। अब इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे ही ठंडा करता है, मतलब ऐसा नहीं करता है कि हर जगह से ठंडा कर रहा है, जैसे कि ये साइड में यहाँ पे मेरे को ठंडा कर रहा है, फिर एक पॉइंट है यहाँ पे ठंडा कर रहा है, तो ऐसा पूरी सीट ठंडी नहीं होती है। सो इट्स लाइक अ मिक्स एंड मैच, मतलब इस तरीके का इन्होंने कुछ किया कि ठंडा वाली फीलिंग तो आ रही है बट पूरा वो कवर नहीं करता है कई बार, बट हाँ ऑफकोर्स ये फीचर डेफिनेटली बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो बहुत सारे फीचर्स डेफिनेटली यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, बट एक चीज़ जिसमें बदलाव किया गया है और मुझे एक्चुअली फील हो रहा है, और तो टाटा मोटर्स ने बोला नहीं है, बट जो सीट मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं। पॉसिबली जितना ये पीछे जाती है, एक तो इसे मतलब ये अगर एकदम पीछे कोई 6 फुट का बंदा बैठा है, बट जो ओवरऑल सीटिंग एक्सपीरियंस रेयर का है, अगर आगे कोई 5, 11 या 6 फुट का बंदा बैठा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कोई 5, 6, 5, 11 का बंदा बैठेगा और पीछे मेरे राज हैं और राज के पास में बहुत कम जगह आई थिंक बच रही है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले वाली सीट एक्चुअली आपकी ज़्यादा कम्फर्टेबल होती थी ओवरऑल, अभी उसमें शायद कुछ चेंजेस किए गए हैं, एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पास में रेगुलर नेक्सॉन है उसके बाद में आप इसमें आके बैठिएगा तो शायद आपको वो थोड़ा जो चेंज है नज़र आएगा, और वो शायद इसलिए किया गया है क्योंकि बैटरी पैक को कहाँ, जो एक्स्ट्रा आपने सेल्स लगाए हैं बैटरी में अपनी रेंज बढ़ाने के लिए, उसको लगाओगे कहाँ? उसको लगाने के लिए एक तो आप थोड़ा नीचे आपने किया है तो ग्राउंड क्लियरेंस आपका गया है लगभग 10 mm के आसपास, और फिर सीट में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं तो उस वाली जगह को यूटिलाइज़ करके इन्होंने वहाँ पर भी और सेल्स लगाए हैं। तो ये चीज़ एक जो है वो मुझे पर्सनली नोटिस हुई है, आई मे बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट। सो दैट्स दैट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।